हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम कायनात है और आज हम लोग एकदम सिंपल सटल डूई लुक करने वाले हैं। जैसा हम लोग मोस्टली सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, जो ज़्यादा नहीं दिखता है और एट द सेम टाइम वो अच्छा भी लगता है, उसके लिए सबसे पहले कंसीलर यूज़ करेंगे। कंसीलर डार्क एरियाज़ में यूज़ करना है। डार्क एरिया कवर करने के बाद फाउंडेशन यूज़ करना है। फाउंडेशन आपके पास जो भी ब्रांड का हो, बस ये ध्यान रखना है कि वो स्किन टोन से मैच होना चाहिए। उसको बहुत अच्छी तरीके से पूरे फेस पे ब्लेंड कर लेंगे। जब आपको सिंपल लुक करना हो ना, तो आप ब्यूटी ब्लेंडर मत यूज़ करो। ब्यूटी ब्लेंडर से क्या होगा ना, ज़्यादा कवरेज आएगा। और अगर हम लोगों को सिंपल मेकअप चाहिए जो ज़्यादा कवरेज ना दे, ज़्यादा केकी ना लगे, तो आपको ब्रश यूज़ करना है। हाइलाइटर मैं हाई पॉइंट्स पे कर रही हूँ, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ का जो होता है ना, फेस बहुत स्मॉल दिखता है और जो फ्रंट पार्ट होता है, जो फेस का फ्रंट हिस्सा होता है, वो ज़्यादा हाइलाइटेड होता है, तो उसके लिए वो लोग हाइलाइटर अप्लाई करते हैं। हाइलाइटर के लिए क्या करना है ना, अगर हाइलाइटर नहीं भी है ना, तो जो भी लाइट टोन का आपके पास फाउंडेशन है, उसको आप एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो। हाइलाइट होने के बाद कॉन्टोर करेंगे, क्योंकि कॉन्टोर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और सेलिब्रिटी मेकअप कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनका फेस बहुत शार्प होता है, तो फीचर्स को हम शार्प दिखाने के लिए कॉन्टोर करेंगे। कॉन्टोर जॉ लाइन का एरिया, नोज़ का एरिया और आपका चीक बोन का एरिया हमको कॉन्टोर करना है। उसके बाद स्पूली की हेल्प से आईब्रो फिल करना है। आईब्रो फिल होने के बाद बेस कंप्लीट हो गया है तो उसको सेटिंग स्प्रे से सेट कर देंगे। जब तक हम लोग आई मेकअप करेंगे, तब तक हमारा बेस जो होगा वो सेट हो जाएगा। आई मेकअप के लिए हमको बहुत ज़्यादा कलर्स इसमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम लोग एकदम सिंपल लुक कर रहे हैं, तो कोई भी एक कलर ले लो, मैट आई शेडो, उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लो। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनर कॉर्नर्स हाईलाइट कर लो, लोअर लैश लाइन पे सेम कलर या कोई भी ब्लैक कलर, अगर आपको काजल लगाना है तो ब्लैक कलर लगा लो, काजल लगा लो, ब्लश लगा लो, हाइलाइटर लगा लो। हाइलाइटर का एरिया देख लो, सारे हाई पॉइंट आपको अच्छी तरीके से कवर करने हैं। कोई भी अच्छी सी लिपस्टिक लगा लो, न्यूड लिपस्टिक भी लगा सकते हो, कोई कलरफुल लिपस्टिक भी लगा सकते हो। न्यूड ज़्यादा अच्छी लगेगी अगर आप सिंपल लुक कर रहे हो तो। तो ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप आपको पसंद आया होगा। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, बाय।